अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब? आज ये वानिया का इंग्लिश का पेपर और पहला पेपर है आज, तो उसके ना हम लोग जा रहे हैं वानिया के पेपर के लिए। निकलते हैं वरना फिर देर ना हो जाए। सुने चलें निकले आज, जैसे भी फर्स्ट पेपर है ना तो आज टाइम लगेगा वहाँ पर। फर्स्ट देखो एक मिनट में ना जी। फ्रेंड स्टोरी, वानिया को तो हमने छोड़ दिया स्कूल, वो तो अंदर से ले गई थी। उसके पेपर का टाइम हो गया था 9:30 बजे, क्योंकि पेपर स्टार्ट हो जाता है, तो वो अंदर से ले गई। फिर हम लोग यहाँ आ गए नाश्ता करने के लिए। आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोग बाहर नाश्ता करने के लिए आए हैं, तो सोचा कि चलो नाश्ता करते हैं, निकले थे तो घर से बाहर। गर्मी बहुत है आज, बहुत शिद्दत वाली गर्मी है। धूप इतनी तेज़ निकल चुकी है ना, सुबह का टाइम है हालांकि, लेकिन फिर भी इतनी तेज़ धूप निकल रही है। गर्म हो रहा है पराठा बहुत। खाते हैं फिर बात करते हैं। फ्रेंड्स, तो आज था वानिया का फर्स्ट पेपर, तो मैं इतना थक गई क्या बताऊँ। वहाँ पे धूप में खड़े इतनी शदीद धूप हो रही थी वहाँ पर, और ना बैठने का भी इंतजाम था, वहाँ बैठे हुए थे लोग, लेकिन गर्मी तो फिर गर्मी है ना, तो बहुत थक गई आज मैं। अभी कुछ देर पहले हम लोग वापस आए वहाँ से, 1 बज गए थे हमें वापस, क्योंकि 12:30 बजे जो ना पेपर इसका ख़त्म हुआ, और फिर कुछ देर में ही अंदर से बाहर आ गई थी। मैंने तो कहा था मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती हूँ, तुम जल्दी आना, पेपर जैसे ही मतलब ख़त्म हो और छुट्टी हो तो तुम जल्दी से निकल कर आना, तुम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना वहाँ पर खड़े होकर। तो होता है ना लड़कियों का कि बस जल्दी ही नहीं करती आने में, और ना अपनी फ्रेंड्स के साथ बातों में लग जाती हैं, और मतलब एक दूसरे से शेयर कर रही होती हैं, मैंने ये किया, मुझे ये नहीं आ रहा था, ऐसा हुआ इसको। फ़ौरन मैंने इसको बोल दिया था पेपर से पहले कि भाई जल्दी बाहर निकल कर आना, क्योंकि मुझे घर आके घर को भी देखना था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं घर आई हूँ तो सारा काम हुआ होता। हानिया ने जल्दी सफाई कर ली होगी, और अरीफ ने जो है वो बर्तन धो लिए, किचन से साफ कर दिया। और ना जब मैं स्कूल से मतलब आने के साथ वापस आई घर, तो अब्दुल्ला बिल्कुल रेडी खड़ा हुआ था, यूनिफॉर्म तैयार बिल्कुल रेडी खड़ा हुआ था। हानिया भी बिल्कुल रेडी थी, बिल्कुल 1 बजे जब मैं घर में इंटर हुई तो दोनों बिल्कुल रेडी थे स्कूल के लिए। और हानिया ने और अरीफ ने दोनों ने मिलकर नाश्ता भी बना लिया होगा, इन तीनों ने मिलकर नाश्ता भी कर लिया, काफ़ी के आराम से अपना सारा घर का सारा काम वाम करके और तैयार हो रहे थे स्कूल के लिए। और हानिया ने क्या किया, हानिया ने 2 मैगी मंगवाए लंच के लिए ना, स्कूल ले जाने के लिए लंच के लिए 2 मैगी मंगवाए, एक अपने लिए और एक अब्दुल्ला के लिए, दोनों के लिए लंच बॉक्स भी तैयार किए हुए, और पानी ठंडा करके चिल करके थर्मोस तैयार किया हुआ बिल्कुल। मतलब मैं आई हूँ ना, मुझे कुछ नहीं करने की ज़रूरत पड़ी कि मुझे अब्दुल्ला को तैयार करना है, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं किया मैंने, बस मैं आई हूँ और आके बस मैं लेट गई। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ये सोच रही कि चलो अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे इतने बड़े हो गए हैं और इस काबिल हो गए हैं कि अगर मैं घर में किसी वजह से नहीं हूँ, मैं किसी वजह से बाहर गई किसी काम से ज़रूरी, तो मेरे पीछे बच्चे जो है घर देख लेते हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे भूखे बैठे हुए हैं या मैं परेशान हो रही हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है कि इस काबिल हो गए हैं बच्चे कि अगर मैं नहीं हूँ तो ये लोग देख लेते हैं घर को, और भूखे नहीं रहते हैं, खा पी लेते हैं अपना कुछ ना कुछ कर करा के। अरीफ ने जो ना अंडा वगैरह फ्राई कर लिया था, और बिस्किट वगैरह थे, चाय बनाई और अपना नाश्ता जो है कर लिया। बस अभी मैं थोड़ी देर आराम करके ना, और अभी उठी हूँ मैं, अब देखो शाम के खाने की तैयारी करनी है, मुझे शाम में खाना बनाना है। और वानिया को तो इतनी शदीद वाली भूख लग रही थी ना वानिया ने, क्योंकि नाश्ता भी नहीं किया था। मैं इसको कह रही थी कि नाश्ता कर लो, लेकिन उसने कहा कि ना मम्मा नहीं, मैं नाश्ता अभी नहीं कर रही, मैं ना पेपर देने के बाद कुछ खाऊंगी, मुझसे अभी टेंशन में बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया जाएगा, तो इसलिए जो ना वानिया ने कुछ भी नहीं खाया। फिर जैसे ही वानिया मतलब स्कूल से आए ना हम लोग, तो फिर मैंने वानिया के लिए जल्दी से मैंने बिरयानी का पार्सल मंगवाया, और फिर उसने खाया, और खा के फिर अभी सो रही, आराम करी। मैं कहा थोड़ी देर सो आराम करो, क्योंकि ये पूरी रात की जागी हुई है, रात भर इसने मतलब बैठ के पढ़ाई क्योंकि 1 बजे तक तो ये यहाँ जाग रही थी, यहाँ बैठ के पढ़ रही थी, मेरे सामने पढ़ रही थी। फिर मैंने कहा जाओ थोड़ा आराम करो, सुबह जल्दी उठना है। फिर ये कमरे में जाके पढ़ रही थी, फिर रात को 4:30 बजे के टाइम 2-3 घंटे सोई है, फिर रात को 4:30 बजे मेरी आँख खुली, तो ये जब भी पढ़ रही थी 4:30 बजे भी पढ़ रही थी, फिर इसने मतलब वो सोई नहीं होगी, तभी अब सो रही है।
रही बात स्कूल की, तो फिर मैंने स्कूल की वीडियोस नहीं बनाई, क्योंकि जाहिर सी बात है हर किसी की प्राइवेसी होती है, और मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ कि भाई किसी की जो प्राइवेसी है वो डिस्टर्ब ना हो बहुत। मतलब वहाँ पे सारी ज़ाहिर गर्ल्स थी, और स्कूल भी अच्छा था, काफ़ी बड़ा था, बता रही थी मैंने कि बहुत अच्छे टीचर्स थे, कोऑपरेटिव थे। वैसे तो अलग शुक्र है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि वो उसको पूछना कुछ नहीं थी, लेकिन जैसे कि अगर कोई लड़की कह रही थी ना कि कुछ बता दें, तो सर मतलब वहाँ के जो टीचर्स थे वो कह रहे थे कि आप एक दूसरे से पूछ लें, एक दूसरे को मतलब बता सकते हैं, लेकिन माने को अलग शुक्र की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ ये बता देती है दूसरी लड़कियों को अगर इससे कुछ पूछता है, मैं खुद कहती हूँ कि नहीं इस टाइम पे मदद कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर एक दो नंबर से बेचारे किसी बच्चे का भला हो रहा है ना, तो ये अच्छी बात है कि चलो अच्छी बात है कि एक दूसरे का इंसान सोचे और भला कर ले, और स्पेशली इस टाइम जो जो बोर्ड के पेपर्स होते हैं ना इस टाइम पे, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि वानिया ये बताए, कभी वानिया को भी ज़रूरत पड़ सकती है किसी चीज़ की, तो ज़ाहिर आज ये बताएगी तो फिर कल कोई इसको भी बता देगा। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि ऐसे टाइम में ना एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे से बना के रखो, ताकि आप किसी के आज काम आओगे तो कल कोई आपके भी काम आए, ये सोच कर ना मैं वानिया को कहती हूँ कि थोड़ी बहुत हेल्प कर दिया करो। अच्छा जी, तो उस वक्त जब मैं स्कूल से आई थी ना, उस वक्त तो मुझे भूख नहीं लग रही थी, तो और लेकिन अब मुझे भूख लग रही है, क्योंकि अब बज रहे हैं 3, सुबह का नाश्ता किया हुआ है ना, ज़ाहिर अब तो भूख तो लगनी है ना। तो अभी मैंने ना अपने लिए मंगवाया है अंडा, और अंडे का ऑमलेट बनाएंगे, और अंडे का ऑमलेट बनाकर खाएंगे। अब ये असल में ऐसा है कि मैंने ना कल खाना नहीं बनाया था, मैंने कल खाना इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि इन्होंने मुझे कहा था कि तुम खाना नहीं बनाना, और ना वो यहाँ हमारे घर के करीब ना यहाँ होटल है, रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर जो ना एक डील थी 500 के 3 टिक्के, और टिक्का खाने का इनका बहुत दिल था, और काफ़ी टाइम से मुझे कह रहे थे कि मैं टिक्का खाऊंगा, मेरा बहुत दिल चाह रहा है, तो इन्होंने मुझे मना कर दिया था कि कल खाना नहीं बनाना रात का। तो मैंने कल फिर खाना नहीं बनाया, तो फिर ये टिक्के लेकर आ गए थे सब बच्चों के लिए भी, और फिर हम लोगों ने टिक्के और पराठे ये चीज़ें खा ली थी, तो इसलिए फिर खाना नहीं बनाया था, तो इसलिए फिर दोपहर में मैंने जो ना इन लोगों के लिए बिरयानी मंगवा दी। ये रही है, ये बिरयानी का एक पार्सल पड़ा हुआ है, मैंने कहा ये भी हानिया और अब्दुल्ला आएंगे स्कूल से, भूखे आएंगे तो ये लोग खा लेंगे, मैंने कहा चलो मैं तो अंडा भी बना के खा लूँगी, बच्चे बिरयानी खा लेंगे। तो अभी बस मैं अंडे की तैयारी कर लेती हूँ और अंडा बना के खा लेती हूँ। कैसे हैं आप लोग सब? और अभी मैं रात का खाना बनाने आई हूँ किचन में, रात का खाना बनाने आई थी, किचन में आके मैंने खाना बना लिया। आज रात के खाने में मैंने बनाया है ग्वार की फलियाँ और आलू। हाँ जी फ्रेंड्स, अब कल वाला व्लॉग है ना मुझे अभी एंड करना पड़ा है, क्योंकि कल मैं जल्दी सो गई थी, मैं कल बहुत ज़्यादा थक गई थी ना, तो इसलिए मैं कल 11 बजे से भी पहले सो गई थी, मैंने व्लॉग भी एंड नहीं किया और बस खाना खाया और जल्दी जल्दी ही सो गई थी। तो मैंने कहा चलो अब व्लॉग तो एंड करना है, अब व्लॉग एंड करते हैं, आज का व्लॉग हम यहीं पे करते हैं एंड। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ऑन करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।